नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। एमपी में कूनो नेशनल पार्क में एक हफ्ते में दो चीतों की मौत का कारण उनके गले में पहनाए गए रेडियो कॉलर से हुआ इन्फेक्शन है। रेडियो कॉलर के कारण गर्दन के आसपास नमी बनी रही और बैक्टीरिया पैदा हो गए। इस कारण चीतों को सेप्टिसीमिया हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये कहना है दक्षिण अफ्रीकी चीता मेटा पॉपुलेशन विशेषज्ञ विसेंट वॉन डेर मेरवे का। मेरवे शनिवार को मंगोलिया में थे। एक न्यूज़ एजेंसी ने मेरवे से बात की। उन्होंने बताया कि दोनों नर चीतों की मौत सेप्टिसीमिया के कारण हुई। सेप्टिसीमिया एक गंभीर ब्लड इन्फेक्शन है, इससे खून में जहर बनने लगता है। सुरक्षा और चीतों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उनकी गर्दन में रेडियो कॉलर लगाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीता सूरज की शुक्रवार को, जबकि नर चीता तेजस की मंगलवार को मौत हो गई थी। मेरवे ने कहा कि गीला रहने के कारण रेडियो कॉलर इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं। चीतों की गर्दन के आसपास बने घाव मेटिंग के दौरान या अन्य जानवर से लड़ाई में बने घाव नहीं थे। वे डर्मेटाइटिस और मायोसिस के बाद सेप्टिसीमिया के मामले में थे। मेरवे ने कहा कि वो द चीता मेटा पॉपुलेशन इनिशिएटिव की ओर से दक्षिण अफ्रीका में चीता मेटा पॉपुलेशन प्रोजेक्ट का प्रबंध करते हैं। साथ ही दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीतों को लाने वालों में वे भी शामिल थे। इसी के साथ